हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ECIL के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है नई भर्ती के लिए। ये भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है फ़िलहाल में एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से तेलंगाना हैदराबाद के लिए निकाला गया है, आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये कल की डेट में जारी हुआ है, जो कि 20 तारीख की डेट में यहाँ पर इशू किया गया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप भर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले, फिटर वाले, ये तीन ट्रेड वाले यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिनकी एज लिमिट अपर लिमिट होगी 30 साल के ये होने चाहिए, कम से कम 30 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। फर्स्ट ईयर में इनको सैलरी जो मिलेगी 20,480 रुपये मिलेगी, देन सेकेंड ईयर में आपको 22,558 रुपये मिलेगी और तीसरी साल में आपको 24,780 रुपये सैलरी मिलने वाली है। ये 3 साल के लिए यहाँ पर बुला रहे हैं, एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे बुलाया गया है इनको। जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। देन यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। ESI मिलेगा आपको, ESI के ज़रिए आप कोई भी, अगर आपको हानि होती है, चोट लगती है, बीमारी होती है, तो आप ESI के फॉर्म से आप अपना इलाज करा सकते हैं, अपना और अपनी फैमिली का। कंपनी से PF मिलेगा, TAD आपको मिलेगा वैन ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। अगर ये आपको कहीं भी भेजते हैं तो आपको ट्रैवलिंग का खर्चा, TADA का खर्चा, रहने खाने का खर्चा, पीने का खर्चा, सारा कुछ यहाँ पे ये देगी। और लीव से आपको भी एप्लीकेबल रहेंगे, जो लीव से इनकी रहती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको सेकंड ईयर 2 साल की ITI होनी चाहिए, जो ट्रेड 2 साल की है उनको ITI होनी चाहिए। देन मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रिशियन फिटर, 3 ट्रेड होनी चाहिए। और NTC नेशनल ट्रेनिंग, आपको अप्रेंटिसिप भी होना कंपलसरी है, इसमें अप्रेंटिसिप भी आपका मांगा गया है। ठीक है, ये क्या है, एडिशनल 1 ईयर अप्रेंटिसशिप इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मतलब आपका NCBT से आपके पास अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है, जिसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास हो। ठीक है, यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन हो गई। और ये इसकी जो डेट है, फॉर्म भरने की जो डेट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फॉर्म भरने की जो डेट यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। 20 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2022 तक यहाँ पे आपको डेट मिल रही हुई है। केवल 10 दिन आपके पास मिले हैं, 10 दिन में अपना, इसमें कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, केवल अपना पर्सनल डिटेल्स भरिए, एड्रेस भरिए, अपना हाई स्कूल और ITI की डिटेल्स भरिए। अप्रेंटिसशिप है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, लेकिन अप्रेंटिसशिप वाले ही इसमें फॉर्म भरें। यहाँ पर ये 10 दिन आपको मिल रहे हैं, 10 दिन के लिए आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया है 20 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपकी 30 तारीख रहेगी। और ये यहाँ पर एज ए रिक्वायरमेंट, जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी ECIL में तो आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर मिली होगी। नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही ITI से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।